जमान नहीं आया? आ गए थे, आंटी के साथ डॉक्टर के पास गए। खैरियत? हाँ सब खैरियत है, बस उनका रूटीन चेकअप था, उसकी अपॉइंटमेंट थी। और बाकी लोग? बाकी लोगों की फिक्र तुम मत करो, बैठो। इसका मतलब तुम्हारी बात हो गई। फारिस, तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि लिशपा किसी और में इन्वॉल्व है? मैंने तो लिशपा के बारे में भी नहीं बताया था। जब तुम जानते हो कि लिशपा तुम्हारे लिए कभी नहीं सोचेगी, तो किस उम्मीद में बैठे हुए? मेरा ये उम्मीद तुमने लगाई थी, तुमने कहा था तुम मुझसे बात करोगी, इसीलिए बुलाया तुम्हें। लिशपा तुम्हारे लिए नहीं मानेगी। मैंने भी तुम्हें यही कहा था कि मैं हजार बार कहूंगा, हजार बार इनकार कर देगी। तो फिर क्या चाहते हो तुम? इंतजार करूंगा, वक्त के हाथ में फैसला दे दूंगा, शायद कभी वक्त मेरे हक में फैसला दे दे। नादानी है ये कि जो मोहब्बत करे उसे छोड़ दिया जाए और जिसे परवाह तक ना हो उसके लिए खुद को इंतजार की सूली पे लटका लिया जाए। नहीं ना मेरा, गलत कह रही हो। जो परवाह ना करे उसके लिए नहीं, बल्कि जिसे आप शिद्दत से मोहब्बत करो उसके लिए। फारिस, एक वादा कर सकते हो मेरे साथ कि जिस दिन वक्त ने तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दिया तो उस दिन तुम समन का हाथ थाम लेना। समन कहाँ से आ गए बीच? तुमने समन से शादी के लिए इनकार अलिशपा की वजह से किया था ना, तो अब जब अलिशपा किसी और का हाथ थाम लेगी तो तुम भी अपनी गलती के कुफारे में समन का हाथ थाम लेना। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। जरूरत नहीं है। बैठ जाओ, मैं भिजवाती हूँ कुछ।